सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में दिखने लगी केमिस्ट्री, बीजेपी के लिए क्यों बनी मिस्ट्री। सपाइयों ने 2017 से सीखा, कांग्रेसियों को बताया। अखिलेश राहुल की जोड़ी हिट होने के बाद भी क्यों बीजेपी हुई कामयाब, उसके बारे में समझाया। सपा कांग्रेस की केमिस्ट्री देखेंगे तो यही कहेंगे, इस बार यूपी के दो लड़के मोदी योगी पर पड़ने वाले हैं भारी। 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ था। अखिलेश और राहुल यूपी के दो लड़के के नाम से मशहूर हो गए थे। लोगों की जुबान पर राहुल अखिलेश की जोड़ी का नाम था। माना जा रहा था राहुल और अखिलेश मिलकर यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आने देंगे। दोनों की जोड़ी हिट हो चुकी थी। बावजूद इसके जब परिणाम सामने आया, कामयाबी बीजेपी को मिली। यूपी के दो दोस्तों के बीच दोस्ती टूट गई। जोड़ी हिट होने के बावजूद भी सपा कांग्रेस को कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई, इसकी असल वजह की तलाश की गई। पूरा विश्लेषण दोनों पार्टियों की ओर से किया गया तो खबर लगी इस जमीन पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का बेहतरीन तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ी। लेकिन इस बार पिछली बार की गलतियों से सपा और कांग्रेस ने सीख लिया। अब दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच केमिस्ट्री सिर्फ ऊपर लेवल पर नहीं बल्कि निचले स्तर पर भी दिख रही है। ये केमिस्ट्री ऐसी है जिसे देखकर बीजेपी के होश जरूर उड़ेंगे। अब सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच केमिस्ट्री को देखना है तो सबसे पहले संगमित्रा मौर्य के एक्स हस्बैंड और फरुखाबाद से सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य की ओर से की गई एक कोशिश के बारे में जानिए। दरअसल सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य 3 मार्च को दिल्ली में दिखे। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फरुखाबाद से अपनी राजनीति को रफ्तार देने वाले सलमान खुर्शीद के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं में हालचाल भी हुआ और चुनावी रणनीति पर बात हुई। गठबंधन में सीट सपा के कोटे में जाने के बाद सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर टूट जाऊंगा झुकूंगा नहीं अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। नवल की खुर्शीद से मुलाकात नाराजगी को दूर कर साथ लाने के प्रयास का हिस्सा थी। सपा के अन्य प्रत्याशी भी समन्वय और साथ बेहतर करने के लिए कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों के साथ संवाद बनाने में जुटे हैं ताकि केमिस्ट्री बेहतर कर चुनावी गणित सुधारे जा सके। इसी तरह गोंडा में सपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बेना प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में उन्होंने गोंडा में कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर वहां के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनके साथ सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह भी थी। बाराबंकी सीट कांग्रेस के खाते में है। यहाँ तनुज पुनिया की कभी अरविंद सिंह गोप तो कभी राकेश वर्मा से मुलाकात की तस्वीरें आ चुकी है। सपा के फैजाबाद से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद भी पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के घर जाकर चुनाव में सहयोग मांग चुके हैं। अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा भी पिछले दिनों कांग्रेस के जिला कार्यालय में बैठक की। लखनऊ में भी साझा बैठक हो चुकी है। यहां रविदास मेहरोत्रा सपा के प्रत्याशी हैं। यूपी में सपा ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 17 सीटें दी हैं। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया है। सपा 31 नाम जारी कर चुकी है। हालांकि इनमें 2 सीटों पर चेहरे बदले जाएंगे। वाराणसी सीट कांग्रेस के खाते में गई है, इसलिए पार्टी यहां उम्मीदवार वापस लेगी। संभल से उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क के निधन के चलते वहां भी नया चेहरा होना तय है। बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों ने काम तेज कर दिया है। कुछ महीनों पहले जहां तक दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ मुखर थे, अब उन्हें साथ प्रचार करना है, इसलिए हिचक और विरोध की दीवार गिराना जरूरी है। प्रत्याशी इसी में जुटे हैं। हालांकि नेतृत्व के स्तर पर जब तक इस पर सक्रिय पहल नहीं होती, नीचे संभलना कठिन होगा। सपा और कांग्रेस 2017 में भी साथ रह चुके हैं। उस चुनाव में गठबंधन जमीन पर फेल हो गया था। नेताओं के गण नीचे तक नहीं पहुंच सके। बेहतर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो गई, जिसका नुकसान सपा को हुआ। राजधानी की लखनऊ मध्य सीट इसकी नजीर है। इसी तरह 2019 में भी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। कागजों पर अजय दिख रहा यह समीकरण सियासी अखाड़े में ध्वस्त हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का नीचे तक कोऑर्डिनेशन ना होना था। दोनों दलों के कोर वोटों का बड़ा हिस्सा एक दूसरे को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अतीत के अनुभवों को सबक लेते हुए सपा और कांग्रेस दोनों ही इस बार तालमेल बेहतर करने में जुटे हैं। ये कवायद स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों की ओर से भी जारी है।